अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस। नाउ आई एम बैक विद अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। दिस क्वेश्चन इज थ्री स्टेज टाइप क्वेश्चन। नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ सर्कुलर प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एंड 50 mm डायमीटर appears as an ellipse in the front view having major axis 50 mm and minor axis 30 mm long. Draw its top view when the major axis of the ellipse is horizontal. yani ki ek circular plate hai, okay, this is circular plate, you can see here, this is circular plate, okay, jiska diameter kitna hai 50 mm ke barabar hai, aur wo कैसा नजर आ रहा है, अपीयर मतलब नजर आना, कैसा नजर आ रहा है एज अ एलिप्स इन फ्रंट व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू में वो एलिप्स नजर आ रहा है। तो ये कब आएगा, सेकंड स्टेज में आएगा, आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि पहले स्टेज में हम ड्रॉ करते हैं जहां से उसका हमें एक्चुअल शेप नजर आता है। तो एक्चुअल शेप का नजर आएगा आपको पहले स्टेज में, यानी पहले स्टेज में तो वो सर्कल आपको नजर आएगा, दूसरे स्टेज में जब इंक्लाइन करेंगे इसको तब आपको यस क्या नजर आएगा, ये सर्कल नहीं दिखेगा आपको, ये सर्कल आपको एज अ एलिप्स नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इन फ्रंट व्यू। कहाँ नजर आएगा, फ्रंट व्यू में नजर आएगा। तो एक चीज इमेजिन कीजिए आप, अगर मैं इसके सरफेस को एचपी के पैरेलल कर लूँ, इसी पोजीशन में लेके ड्रॉ कर लूँ, मान लो इसको एचपी के पैरेलल लेके ड्रॉ किया और फिर मैंने इसे एचपी से इंक्लाइन किया, कैसे इंक्लाइन किया, एचपी से इंक्लाइन किया, तो आप देखेंगे अगर इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे अगर मैंने इसके लोके ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि इसकी सरफेस को एचपी के पैरेलल ले रहा हूँ, क्योंकि यही कन्फ्यूजन बच्चा करता है कि इस सरफेस को मैं कहाँ पे लूँ, एचपी पे लूँ, वी पे लूँ, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन इसमें गिवन नहीं है। तो ये दिया है ना आपको फ्रंट व्यू में, सेकंड स्टेज में क्या नजर आएगा, ये एलिप्स नजर आएगा। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन तो वैसे ही बना लोगे आप लोग। अब देखिए, अगर मैंने सरफेस को एचपी के पैरेलल लिया, लाइक दिस लिया, तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, लाइन नजर आएगी। और जब मैं इसको ऐसे इंक्लाइन भी करता हूँ तब भी फ्रंट व्यू में क्या नजर आएगी, मुझे लाइन नजर आएगी, यानी कि सेकंड स्टेज में फ्रंट व्यू में लाइन नजर आएगी। मगर देखिए, सेकंड स्टेज में फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है मुझे, एलिप्स दिख रहा है, यानी कि इसको मुझे एचपी पे नहीं रखना है, मुझे कहाँ रखना है इसको, इसको रखना है वीपी पे। अब देखें, मैंने इसको रख लिया वीपी पे, चलो ठीक है, इसको चिपका के रख दिया वीपी पे, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने इसको वीपी पे चिपका दिया, यानी कि फ्रंट व्यू में दिखेगा सर्कल जो बनेगा एक्स वाई के ऊपर, टॉप व्यू में दिखेगी लाइन, क्योंकि ये वीपी पे मैंने लिया था इसका, इसके प्लेन को मैंने कहाँ लिया, वीपी पे लिया, यानी कि टॉप व्यू की जो लाइन नजर आएगी वो एक्स वाई पे नजर आएगी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर अगर मैं इसको वीपी से इंक्लाइन करता हूँ लाइक दिस, तो वीपी से इंक्लाइन करूँगा तो टॉप व्यू में अभी लाइन नजर आ रही है, मगर फ्रंट व्यू में ये सर्कल मुझे एज अ एलिप्स नजर आएगा, किस में आएगा, फ्रंट व्यू में। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, तो यहीं से अपन को पकड़ना है इस क्वेश्चन में कि मैं सर्कल कहाँ बनाऊँ, ऊपर के नीचे, तो क्या करना है, सरफेस को करना है वीपी के पैरेलल, आगे वीपी के पैरेलल होगा तब क्या होगा, फ्रंट व्यू में सर्कल दिखेगा। और इसी पॉइंट्स को आगे प्रोजेक्ट करते हुए लेके जाते हैं, अपन को पता मैशिंग होती है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, अगर फ्रंट व्यू में आपको सर्कल दिख रहा है तो सेकंड स्टेज के फ्रंट व्यू में आपको एलिप्स नजर आ जाएगा, अगर पहले स्टेज के फ्रंट व्यू में लाइन नजर आई तो सेकंड स्टेज के फ्रंट व्यू में भी आपको लाइन नजर आएगी। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सरफेस को वीपी के पैरेलल लेना है, ओके, इस सरफेस को वीवी पहले लेना पहले स्टेज में, तो पहले स्टेज में फ्रंट व्यू में दिखेगा सर्कल दिखेगा मुझे, टॉप व्यू में लाइन नजर आएगी, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी, आप देख फ्रंट व्यू में दिख रहा सर्कल, टॉप व्यू में लाइन। अब मैं जैसे ही इसको इंक्लाइन करूँगा, किससे, ये ऐसा है ना, अभी फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है आपको। और मैं जैसे इसको फिक्स करता हूँ, ओके, इसको पकड़ लिया मैंने और इसको यहाँ से मूव कराया, कितना एंगल पे कराना है ये मुझे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, एंगल गिवन नहीं है, तो इतना मुझे कराना है कि ये एलिप्स नजर आए सामने, सामने इसका नजर आएगा, फिर आपको एलिप्स नजर आएगा। आई थिंक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, एलिप्स नजर आएगा तो एलिप्स की डिटेल्स दी हैं, एलिप्स नजर आएगा तो हैविंग मेजर एक्सिस 50 mm एंड माइनर एक्सिस 30 mm लॉन्ग। तो जो एलिप्स होगा उसके डायमेंशन दिए हुए हैं, उसमें बड़ा वाला जो एक्सिस होगा 50 mm का होगा, छोटा वाला जो एक्सिस होगा 30 mm का होगा, ये डिटेल है, ओके। तो मेजर याद रखिए, याद कर लीजिए इसको, मेजर कितना है 50 है, माइनर 30 है, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आपको पता है क्योंकि इसको वीपी लिया था, यानी कि इसको मैं इस तरह से इंक्लाइन करने वाला हूँ, यानी कि वीपी से एंगल देने वाला हूँ, तो ये पॉइंट तो मेरा वन रहेगा, इसे कहीं भी मार्क कर सकता हूँ। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, मगर वो लाइन कितनी एंगल पर होगी ये पता नहीं, तो उस लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, मगर हाँ एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, अगर इसको ऊपर ले गया मैं और यहाँ से मैं
वन को ले आया प्रोजेक्ट करता हुआ, इसको ऊपर ले गया वन को ऊपर प्रोजेक्ट करता लाया, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये वन डैश मिलेगा, ये बिल्कुल मुझे पता है, तो मैंने यहाँ वन डैश मार्क कर लिया। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, मेजर 50 है माइनर 30 है। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि शॉर्ट होगा तो कैसे शॉर्ट होगा। आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो दो एक्सेस हैं इसकी, इससे मान लीजिए आप सर्कल समझ के, एक लेंथ ये है 1 7, एक है मेरी 4 10, कौन कौन सी 1 7 4 10। यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे 1 अलग है 7 अलग है, 4 और 10 की लोकेशन एक है, यानी कि 4 10 जब वीपी से इंक्लाइन करूँगा इसको, इसके प्लेन को वीपी से ऐसे इंक्लाइन करूँगा तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में 4 और 10 की लोकेशन फिर सेम रहेगी क्योंकि लाइन पे ही आएगा, ये लाइन को इंक्लाइन करना, तो लाइन पे क्या हो 4 10 एक जगह आएगा, तो एक ही पोजिशन पर आ रहा है, इसका मतलब ये वीपी से इंक्लाइन नहीं है, क्या है ये वीपी से पैरेलल रहेगा, इसलिए इसका 4 डैश और 10 डैश यानी कि जो मिलने वाले हैं इसकी लेंथ आपस में क्या रहेगी, इसमें दूरी कितनी रहेगी, डायमीटर यानी 50 के बराबर ही रहेगी, तो ये हो जाएगा इसका कौन सा डायगोनल, सॉरी कौन सा एक्सिस, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 4 डैश और 10 डैश जो यहाँ रिप्रेजेंटेशन करूँगा मैं एलिप्स का, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस क्योंकि ये दोनों की लोकेशन एक है। अगर वीपी से इंक्लाइन करते हैं उसके बाद भी क्या होगा, ये 4 डैश और 10 डैश आपस में क्या रहेगा, वीपी से पैरेलल रहेगा, इसलिए ये लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। आपको ऑलरेडी पता नहीं, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, इसे यहाँ से ले जाएंगे प्रोजेक्ट करते हुए, यहाँ पे ये पॉइंट मिलेंगे तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी, आपस में सेम रहेगी, यानी कि ये शॉर्ट नहीं हुआ। ये शॉर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या था ये था ऐसा डायगोनल एलिप्स का जो यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब शॉर्ट क्या होगा, देखो 1 अलग है 7 अलग है, इसकी लोकेशन अलग अलग है, ओके, जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो 1 7 शॉर्ट हो जाएगा, यानी 1 डैश और 7 डैश क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, 1 डैश 7 डैश शॉर्ट हो जाएगा, 1 डैश 7 डैश शॉर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि ये तो मेजर हो जाएगा, फिर ये मेजर एक्सिस हो जाएगा 4 10, और 1 7 क्या हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चन में किया था माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी 30 थी, मेजर की 50 थी, इसलिए मेजर की लेंथ कितनी 50 है, जो चेंज नहीं हुई है, मेजर कितना है 50 है, ये शॉर्ट हो जाएगी, ये 50 से कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी 30। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई थिंक इतना समझ में तो आ गया, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की आपको, आप लेक्चर अगर सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेंथ कितना लूँगा मैं, यहाँ से लूँगा 30, तो ये मैंने डिस्टेंस कितना लिया, ये 30 लिया, यहाँ से एक लाइन मैंने मार्क कर दी, तो 30 पे एक पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का नाम हो जाएगा 7 डैश, क्या नाम हो जाएगा इसका 7 डैश, है ना, यहाँ ऊपर मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा 4, 10 4 का डिस्टेंस यानी कि 10 डैश 4 डैश का डिस्टेंस आपस में 50 रहेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा माइनर एक्सिस का, दैट इज इक्वल टू 30। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लेंथ लेके लाइन लेके आऊँगा, मुझे मालूम है नीचे क्या मिलने वाला, 7 मिलने वाला, 1 से लेकर 7 की दूरी मुझे पता है, तो मैंने क्या किया, कॉम्पास लिया, कॉम्पास पे 1 पे रखा, ओके, और 7 की दूरी यहाँ से उठाई मैंने, 1 पे रखते हुए यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट करते से ही मुझे पता है ये कौन सा पॉइंट निकल के आएगा, ये पॉइंट निकल के आएगा पॉइंट नंबर 7। ओके, फिर क्या करूँगा मैं, इस 1 और 7 को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर दूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा टॉप व्यू, कौन सा व्यू हो जाएगा, ये टॉप व्यू हो जाएगा, मगर इसके बीच के सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको भी मार्क करना मुझे है अभी। ओके, तो मैं कैसे मार्क करूँगा, 1 से लेकर मैंने 6 8 का डिस्टेंस लिया, 1 पे रखा मैंने, यहाँ कट कर दिया, 6 8 मिल गए मुझे, 1 से लेकर मैंने 5 9 का डिस्टेंस लिया, 5 9 पे रखा, इस पे रखा, 1 पे रखा, इसलिए इसी लाइन को कट किया, 5 9 मुझे यहाँ मिल जाएगा, 1 पे रख के मैंने 4 10 का डिस्टेंस लिया, ओके, तो 1 पे रखने पर यहाँ पे मुझे 4 10 मिल जाएगा। सिमिलरली उसी में मैंने 3 11 का डिस्टेंस लिया, 1 पे रख के, 1 पे रख के मैंने यहाँ कट किया, तो 3 11 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और मुझे ये डिस्टेंस लेनी है तो कॉम्पास में नहीं आ पा रही, कॉम्पास मेरा थोड़ा बड़े साइज़ का रहेगा, एंड डिस्टेंस मैं इसका 2 और 12 का कहाँ से ले लेता हूँ, 7 से ले लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस मैंने इसका कहाँ से लिया, 7 से लिया, मैंने यहाँ रखा 7 पे और यहाँ कट कर दिया, मुझे सारे पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से मिल गए, ये पॉइंट मिला यहाँ पे, सॉरी इस पेंसिल से करता हूँ मैं, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट मुझे ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, ये 1 था, तो ये हो जाएगा 2 12, ये वाला 3 11, ये वाला 4 10, ये 5 9, ये वाला हो जाएगा 6 8, और 7 तो मैं नेम दे चुका हूँ, इसको मैं अच्छे से नेमिंग दे देता हूँ, मैंने समझाने के लिए उस समय नेमिंग दिया तो इसको नाम दे दिया मैंने 7। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, हमें सबको ऊपर लेके जाना है, ठीक है,
सबको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको ऊपर लेके गया तो ये इसको ले गया, फिर इसकी बारी इसे ले गया, इसकी बारी है इसे ले गया, इसकी बारी है फिर 5-9 की इसे ले गया, फिर इसको ले गया, 7 को ले आने की ज़रूरत नहीं है, 7 तो ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे इनको ले जाना है राइट की तरफ, इसे ले गया, इसे ले जाऊँगा मैं, इसे ले गया, ये ऑलरेडी गया हुआ है ना, इसको ले गया, इसको ले जाऊंगा और इसको ले जाऊंगा, ये सारे पॉइंट्स को ले आया है। अब ये तो अपन को पता है मैशिंग कैसे करनी है, कैसे पॉइंट फाइंड करने हैं, तो इतना पार्क कर लेता हूँ, निमिंग कर देता हूँ, सारे पॉइंट्स को आपस में स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लेता हूँ, इतना पोर्शन में कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लिया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। सेकेंड स्टेज तक कम्प्लीट हो गया, यहाँ एंगल मिल जाएगा, ये एंगल लिख देते हैं, कितना एंगल आया है यहाँ पर, एंगल आपको वीपी से मिल जाएगा, ये एंगल निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से 53 डिग्री, कितना आ रहा है 53 डिग्री, तो मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो वीपी से एंगल निकल के आया दैट इज़ इक्वल टू 53 डिग्री, ओके। तो ये एंगल होगा 53 डिग्री, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो वैसे ही बन जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, याद तो हो गया था ना, आगे क्या दिया, ड्रॉ इट्स टॉप व्यू व्हेन मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि मेजर एक्सिस कौन सी है जो एलिप्स की है, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करना है, यानी कि वो एक्स वाई के पैरेलल करना है, यानी कि पहले टॉप व्यू, फिर सॉरी पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, फिर टॉप व्यू, फिर टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू, अब फ्रंट व्यू बनेगा। इस फ्रंट व्यू में जो एलिप्स बनाएंगे ना आप, इसको कैसे करना है, इसकी मेजर एक्सिस कौन सी है, 4-10 ये 50 की थी, 1-7 ये 30 सेट की थी, यानी कि 4-10 को क्या करना है मुझे, इस बार कर देना है एक्स वाई के पैरेलल, यानी कि एच पी के पैरेलल, तो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, यही बोला है इसने। फिर इसके हिसाब से आप इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लीजिए, कैसे करेंगे देखिए, 4-10 कितना है आपको पता है ऑलरेडी, साइड कितना है इसका 50 के बराबर है, इसका साइज छोटा नहीं हुआ था, मेजर एक्सिस है ना ये, कितना है 50 के बराबर, तो मैंने यहाँ से एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ से लेंथ लिया 50 के बराबर और एक लाइट लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली, क्योंकि जैसे लाइट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये पॉइंट ऐसा घुमा रहा हूँ, इसको कैसे रोटेट कर रहा हूँ उसको ऐसे घुमाया, तो ये 4-डैश कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और 10-डैश कहाँ जाएगा, राइट में आ जाएगा। अब फिर मुझे क्या करना होगा, इस लाइन पे देखिए कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, इन सारे पॉइंट्स को पहले मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि इन्हीं सारे पॉइंट्स की मदद से मैं सारे पॉइंट्स निकालने वाला हूँ, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से ये लिए मैंने, ओके ये डिस्टेंस मैंने लिया, 4 पर रखा और 10 के पास कट कर दिया, 4 पर रखा और 10 के पास कट किया, ये डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से भी क्या होगी, सेम होगी, तो मैंने यहाँ से रखा और यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि ये दूसरा वाला पॉइंट, तो ये दूसरे वाले की डिस्टेंस मैंने कॉम्पास से ली, ये ली 1 से, और सॉरी गलती कर दी मैंने शायद, 1 से नहीं करना है मुझे, इससे करना है सॉरी, ये डिस्टेंस यहाँ से लेना है, यानी कि 4-डैश से मैंने इसका डिस्टेंस लिया, दूसरे वाले का लिया, अब ठीक है, तो ये डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, तो इन्होंने यहाँ पर कट किया और एक बार कट मैंने यहाँ पर जाके किया, ओके ये क्या है, दिस इज़ 4-डैश, ओके अब किसका लेना है मुझे, दो लाइन हो गई, अब एक बीच वाली बाकी है बस, उसका और लेना है मुझे, बीच पे जाके ये डिस्टेंस लिया मैंने, और कहीं से भी ले लो, दोनों जगह इस बराबर डिस्टेंस है, यहाँ से कट किया मुझे सारे पॉइंट्स मिलेगा, कितने पॉइंट्स मिले उसके बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट मिले। अब देखिए इन जो 5 पॉइंट से लाइन गई है, ये इस लाइन की कैसी है, ये लाइन के ये सारी लाइन कैसी है, 90 डिग्री पर है, यानी कि इससे भी कैसी ड्रॉ करनी है लाइन, 90 डिग्री ड्रॉ करनी है, यानी कि सबसे मुझे ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, 4 और 10 को छोड़ दें क्योंकि इस पर कोई भी पॉइंट आगे नहीं है, ठीक है, इस पर लाने से कोई सेंस नहीं रहेगा, आप शायद ड्रॉ कर ले मैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस पर कोई पॉइंट ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सारे पॉइंट्स को कट करना है, कट कैसे करना है देखिए, पहले इस वाले पॉइंट पर जाऊँगा मैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर गया तो देखिए यहाँ से लेकर मैंने 3 का डिस्टेंस लिया, ओके तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गया एक बार, कट यहाँ पर किया और एक बार नीचे कट किया, और जितनी डिस्टेंस इसकी है वो भी सेम डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से भी कट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे यहाँ कट किया और एक बार कट मैंने नीचे किया, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या थी, सेम थी, मैं इसको सही से कर लेता हूँ कट, ओके। अब क्या करना है मुझे, दूसरे वाले पॉइंट पे जाना, यानी कि इस पे जाना है, यहाँ से मैं 2-डैश का डिस्टेंस लूँगा, तो यहाँ से 2-डैश का, 6-डैश का, सारा डिस्टेंस क्या आपस में कॉमन है,
ठीक है, डिस्टेंस लिया मैंने यहाँ पे रखा, एक बार यहाँ कट किया और एक बार नीचे कट किया, वहाँ से भी कट करूँगा क्योंकि फिगर सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम ही है। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे एक बार कट यहाँ पे मैंने किया, एक बार कट यहाँ मैंने किया, फिर बीच वाले पे गया मैं, वन डैश का डिस्टेंस लिया, वन डैश का डिस्टेंस ले चुका हूँ, ओके। बीच वाले पे गया, एक बार कट मैंने ऊपर किया और एक बार कट मैंने कहाँ किया, नीचे किया, सारे पॉइंट्स मैंने एज इट इज कॉपी कर लिए। अब देखिए फोर था ना, ये टेन था, यानी कि उसको ऐसा किया था, यानी कि ये हो जाएगा थ्री, ये टू, ये वन, ओके, वन डैश हो गया, ये हो गया ट्वेल्व डैश, एलेवन डैश, ये फोर हो गया, तो ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब सबको क्या करना है, स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है, तो सबको जोड़ लेता हूँ, स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं लिप्स को एज इट इज़ यहाँ ड्रॉ कर लिया है, मतलब इसको कॉपी किया है, यहाँ पेस्ट किया सेम साइज पे, बस थोड़ा सा मैंने क्या किया है यहाँ पे, जो फोर डैश और टेन डैश था ये मेजर एक्सिस था, इसको करना था हॉरिजॉन्टल, यानी कि उसको कर दिया मैंने पैरेलल टू एक्स वाई। आपको समझ में इतना आ गया होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर मुझे क्या करना है, सारे पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करना है, सारे पॉइंट को राइट में प्रोजेक्ट करना है, मैशिंग करना है, सारे पॉइंट फाइंड करना है, इनको ज्वाइन करना है। तो ये तो मेरे हिसाब से आप आसानी से कर लेंगे, तो मैं इसे पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है मैशिंग करके और सबको स्मूथ कर्व से ज्वाइन किया। नीचे भी एक इलिप्स मिलेगा आपको, तो जो कंडीशन आपको गिवन थी उसके अकॉर्डिंग ये रहा इसका फ्रंट व्यू, दिस इज़ द टॉप व्यू। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।